मैं आपके सामने कुछ उदाहरण के तौर पर मांगे पढ़ता हूँ, और ये मांगे जो हैं इनको ध्यान से देखिएगा। पहली मांग वही, लखीमपुर किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेल से किसानों की रिहाई, मंत्री अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग ये कि स्वामीनाथन आयोग के C250 फॉर्मूले के आधार पर MSP की गारंटी का कानून बने। तीसरी, देश का हर किसान कर्ज मुक्त हो। चौथी, बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए, जो मांग आपने कही थी कि पूरी होगी लेकिन आज तक अधूरी है। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़े, बकाया राशि का तत्काल भुगतान हो, नहीं हो रहा। भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौता रद्द करे। अगली मांग, किसान आंदोलन में दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं। और आखिरी, अग्निपथ योजना की वापसी हो। ये प्रदीप जी कुछ मांगे राजनीतिक हो सकती है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पर आपने सहमति जताई, लेकिन इनमें से एक मांग भी आपने पूरी नहीं की। कोई एक मांग की हो तो बताइए सर। आप अगर भिंडर वाला की फोटो लगाएंगे, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने में हाथ रहा, जिसने इतना बड़ा चलाया, आप उसकी फोटो लगवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, वो किससे मांगी थी? किसानों से, आतंकियों से? वो किसान, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी नजर में आपके प्रधानमंत्री, शायद आपको मुझसे ज्यादा अच्छा पता होगा। चलो हो सकता है मैं तो राजनीतिक हूँ बोलने में, मगर आप किसान भाई है, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा ये प्रधानमंत्री ने किन से माफी मांगी थी। हो सकता है आप किसान भाइयों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री की माफी, चाहे हो सकता है एक मजाक हो। आपने इनमें से एक मांग भी पूरी की? मैं आ रहा हूँ सर, तिलक जी क्यों नहीं की? तिलक जी मैं आता रहा हूँ, आता रहा हूँ। आपने जैसे अभी आपने अजय कुमार जी की बात करी, गृह राज्य मंत्री जी की, मैं उसमें बता दूं, जो उनका जो जो केस में थे वो है। आप क्यों प्रेशर बना रहे राजनीतिक तरीके से कि गृह मंत्री को जेल जाना चाहिए, जाना नहीं जाना चाहिए? जब न्यायालय में चला गया है उसके विषय पर, उसपे भी तो कसम आपको, एक छोटा सा उदाहरण, मंत्री के खिलाफ ऐसी कौन सी जांच हुई जिसमें एक सेकंड एक मिनट की भी पूछताछ नहीं हुई? क्या ये न्याय संगत है? किसान मोर्चा बता सकता है, किसान मोर्चा बता सकता है कि गृह राज्य मंत्री गाड़ी चलाने में था, गोली चलाने में था, लाठी डंडा चलाने में था, क्या जवाब दे सकता है? गाड़ी किसके नाम पर थी? प्रदीप जी मैं आपकी बात मान गया कि मंत्री का कोई लेना देना नहीं था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मंत्री का कोई लेना देना नहीं था, गाड़ी भी उनकी नहीं थी, उनका कोई हाथ नहीं था, वो किसी को धमकी भी नहीं दे रहे थे, लेकिन ये साबित कैसे होगा बिना जांच के? सवाल ये, पूछताछ के बिना कैसे? अच्छा, साबित होगा? हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने। क्या जांच करी SIT ने या पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच करी, और जो जो जिनके नाम उसमें आए, चाहे वो गृह मंत्री के बेटे का हो, चाहे उसका सहयोगी हो, क्या वो जेल नहीं गए? आज भी जेल में है या नहीं है? SIT ने क्या कहा था कि मंत्री की गाड़ी? क्या कहा बताइए? मंत्री की कोई लेना देना नहीं, SIT ने कहा था? नहीं नहीं एक मिनट, नहीं नहीं SIT ने क्या कहा था? आप उसमें आप जाएंगे तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा। पहले चीज, स्वामीनाथन आयोग और C2 फॉर्मूले को लेकर जो आधार, जिसके आधार पर आपने MSP गारंटी के कानून बनाने की वकालत की थी, 8 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, और आप ही के नेता, आप ही के मंत्री कहते हैं कि C250 कोई है ही नहीं, हम उस पर तो विचार ही नहीं कर रहे C2+50 पर, फिर वादा खिलाफी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तिलक जी, वादा खिलाफी कोई नहीं है, ना तो किसान भाइयों से, ना जो काफ के जो किसान आंदोलन हुआ, और जिन्होंने वहां ठंड में बैठ के शहादत दी, किसी के खिलाफ कोई वो नहीं है। सबसे बड़ी चीज देखना यह है कि आप लोगों ने अभी तक जो किसान यूनियन ने कमेटी ना बना के कृषि मंत्री का क्यों नहीं बैठे, और जो आपके शर्त थे, जो चीजें आपने इतने आंदोलन करके उठाई, वो ठंडी क्यों हो गई? हाँ, मुकदमे वापस क्यों नहीं हुआ? समझे नहीं आप लोग, क्या रहना है इनके मुकदमे? हाँ मुकदमे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुकदमे उनपे चल रहे हैं जो, हाँ मुकदमे उनपे चल रहे हैं जो अराजक तत्व थे, जो हत्या हुई टिहरी बॉर्डर पे, जहां भी हत्या जो चीजें हुई, जो बलात्कारी थे, उनपे केस चल रहा है। और जिन्होंने अराजकता, क्यों जो ट्रैक्टर से कुचलना चाहे पुलिस वालों को मारा लाठी डंडों से, लाल किले की 25-30 फुट की दीवार से कूद गए, आप उनके, आप उनसे हटवाना चाहते हैं? प्रदीप जी उनकी बात नहीं कर रहे, फिर सरकार ये क्यों कह रही थी कि इनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे? तो आपको तभी स्थिति साफ कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल करा। देखिए मुकदमे की वापसी की आई है, जिनके मुकदमे वापसी किए बिल्कुल होंगे और 100% होंगे और शुद्धता से होंगे। जिन्होंने सरकारी संपदा में आग लगाने की कोशिश करी, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, जिनको इतना डैमेज कर दिया है चीजों को, क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? संयुक्त किसान मोर्चा कहां चला गया, जो बुलाने पर भी बैठक में नहीं आ रहा, अपनी बातों को नहीं रखा? किसान आंदोलन को, जो किसान भाइयों को लेके बैठे, वो भी लगता है 2024 के लिए बैठे हैं, इन चीजों को दर्शाता है।
सारे के कहे कहावत है ना कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। अब सारे जब राजा और रानी बनना चाहते हैं तो फिर तारे किसान कौन बनेगा, सुनेगा कौन? क्योंकि जितने इतने सारे नेता जो संयुक्त किसान मोर्चे में, उनमें ही एक प्रमुख नहीं बन पा रहा। जो प्रमुख बनता, अच्छा तू नेता बनेगा बड़ा, हम पागल है, हम पे 40,000 किसान है, हम पे 35,000 किसान है, हम पे 25,000 किसान है,